अवैध शराब की तस्करी के मामले में फरार एक आरोपी को ओमती पुलिस ने धूमा से गिरफ्तार किया है। बीते माह पुलिस ने एक कार से 22 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने अपने एक साथी का नाम बताया था जिससे वह शराब लेकर आया था। इस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अवैध शराब की तस्करी के मामले में फरार एक शराब तस्कर धूमा निवासी राहुल शिवहरे को उमती पुलिस ने धूमा से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को जबलपुर लेकर आई और न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया। उमती थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया कि बीते दिनों उनके थाना क्षेत्र में एक कार में 22 पेटी अवैध शराब बरामद की गई थी। इस मामले में मुकेश नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मुकेश ने पूछताछ में धूमा निवासी राहुल शिवहरे से अवैध शराब लाने की जानकारी दी थी। इस आधार पर राहुल को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। तलाशी ली गई, उसके चालक के पास से, चालक था मुकेश जायसवाल के पास से करीब 22 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। मुकेश जायसवाल के द्वारा से पूछताछ करने पर उसके मेमोरेंडम में हमने इस मामले में राहुल शिवहरे करके हैं धूमा के रहने वाले, इनके द्वारा शराब इनको देना बताया गया था, इनको आरोपी बनाया था। इसमें हमने आज राहुल शिवहरे की गिरफ्तारी की और इसे हम जी आर पर पेश कर रहे हैं। ओमती पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद से ही आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे।